पिन करेंगे मुझे, कुछ ऐसी बातें करेंगे, मैं गुस्से में आके कुछ ऐसा बोलूंगा तो फिर क्या रह जाएगा। गोलमाल चोर के सच कब बताओगे? सच क्या सुनना है, सच तो सब सामने है आपके, सब सामने है। आप क्वेश्चन करते जाए, मैं देखता हूँ कि जो जो मैं उसका लाइव लाइक करो सारे, थैंक यू सो मच। जो मैं दे सकता हूँ जवाब देता जाऊँगा। भाई साहब कहते हैं आप वो इकरा और बिया लेके आई, बट नहीं सॉरी, ये बकवास है कि मुझे बिया या इकरा लेके आई हैं। ठीक है, मेरी वो बहनें हैं, रिस्पेक्ट, मेरी सब बहनें हैं, मुझसे बहुत लोग बातें करते हैं, बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं, कॉल आते हैं, मैं दिल से सॉरी करता हूँ, बात नहीं कर पाता उसके लिए, मैं सॉरी करता हूँ आपसे, बट ये बकवास है क्योंकि हमारे मसाइल काफ़ी टाइम से चल रहे थे। कुछ ये तो इनसे पहले का था, पिक्चर आप ये देख लें, पिक्चर इससे पहले का जो है ना चल रहा था कि पिक्चर लीक हो गई है, और मैंने बोला भी था कि ऐसे ऐसे हो गया है, आप इसको सेटलमेंट करें या घर में देखें, बट वो तो जिसने कुछ करना था वो तो कर चुका था, अब वो अपने घर में ढूंढने जाके साइबर क्राइम स्टैंड लेके खड़े हैं, आप कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, तो हो सकता है वही बंदा हो करने वाला। तो वो ना उनसे पूछिएगा ज़रा कि भाई इतने अच्छे बन रहे हैं और वो ही पीठ पीछे इतना कुछ कर रहे थे, उस सब का ब्लेम मुझ पे आया, मुझे इस चीज़ का गुस्सा है, मैं कह रहा हूँ कि भाई इस चीज़ को क्लियर करो, इस चीज़ पे मैं नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं पहले भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूँ कि भाई मैं इस चीज़ के पीछे नहीं था। हाँ मेरे मतलब हमारे कुछ इश्यूज थे, हमारे उनसे अच्छे रिलेशन आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। इवन के जो बोल रहे हैं ना कि मैंने उसको थ्रेट किया होगा या ब्लैकमेल या ऐसा कुछ, मैंने उसे सपोर्ट किया था बहुत ज़्यादा। आपकी सोच होगी कि मैंने उसे कितना सपोर्ट किया, इवन के मैंने, ठीक है जो भी था मेरे साथ, मैंने ये बोला था दोनों पार्टी से, ये जो इशू चल रहा था बीच में, मैंने उन्हें बोला था कि भाई आप जो है, दोनों को बोला था कि यार ठीक है हम ये बैठ के ना अपने मसाइल सॉल्व कर लो, जो भी बातें हैं बैठ के कर लो। इवन के जाके उनसे पूछे, मैंने उसे बोला था कि ठीक है आप किसी तरह से ना इसको बैठ के हल करें, ठीक है जो हो गया हो गया, इसको आप जितना बढ़ाओगे ये ज़्यादा ही बढ़ेगा, बट अब क्या करें, वो इतना पैसे वाले लोग हैं कि अब उन्हें समझ नहीं आती कि उन्होंने करना क्या। पैसा भाई पैसा लगा सकते हैं, हमारे पास तो हलाल का पैसा है, हमें तो दुख होता है ऐसे फजूल में लगाने पे। अब सॉरी भाई आप हैंडसम मैन है, नहीं जिनका नाम ले रहे हैं वही हैं भाई, वॉइस मैसेज तो बहुत हैं आपके हमारे पास, हम नहीं ला सकते। जी, वो वॉइस मैसेज जो है ना पता नहीं किस तरह के हैं, बट वो मुझे नहीं पता कौन से हैं, शायद हो सकता है मैंने किसी कन्वर्सेशन की उस तरह के हैं, देख लें, अगर मेरे से होगा तो वो मेरी ओपन होगी, अगर किसी और से होगा तो वो किसी और की ओपन होगी, अब इससे ज़्यादा मैं क्या बता सकता हूँ। जस्ट इस चीज़ को हाइड रहने दें, बाकी जो भी है ना वो आप सवाल करें, मैं उसका जवाब दूंगा आपको, कोई इशू नहीं है। देख लो जो आज हाल है हमारा, यार इतना मैंने कबाड़ा किया ना आपकी सोच होगी, तो क्या मिला यार एंड में, ये देखो आज जलील होके बैठा हूँ, मुझे मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई वो शर्म महसूस नहीं होगी, क्योंकि ये रियलिटी है भाई और यही दुनिया है मेरे भाइयों। अपने अपने काम में पढ़ो यार, अपने अपने फ्यूचर को बनाओ, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से कोई बिजनेस करो, दफ़ा करो ये आशिकी वाशिकी, एंड में यही ख्वारी मिलती है, देख लो जो आज हाल है हमारा। इंशाल्लाह लाइफ इज़ लव, थैंक यू हमारी बातों को क्लियर किया, नहीं इंशाल्लाह करेंगे, बट यही था मैंने कहा कुछ कन्फ्यूजन जो है वो मैं दूर कर सकूँ आपकी। असल में इशू पता है क्या है, डिप्रेशन की मेडिसिन लेने के बाद ना मुझे डिलीवर करने में ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं, मसाइल चल रहे हैं मेरे, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी बेहतर हूँ और इंशाल्लाह बेहतर हो जाऊँगा, इसलिए अकेडमी ज्वाइन की हुई है, थोड़ी अपनी एक्टिविटीज़ थोड़ी अलग से बनाई हैं, तो थोड़ा बाहर निकलूँ, थोड़ा अच्छे से लाइफ को सेट करूँ, गेट टुगेदर अच्छा हो, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे थोड़ा इम्प्रूव होता जाऊंगा ना मैं, इंशाल्लाह ज़रूर अच्छे से आपसे ना कम्युनिकेट कर पाऊंगा। यार कुछ सच ना, कुछ सच खुद बोलते हैं, अब सब बोलते हो ना कि इस बात को क्लियर करो, कुछ सच खुद बोलते हैं भाई, उसको देख बोलने की ज़रूरत नहीं होती, और जो खुद बोले ना तो उसका अपना मज़ा है।